जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा और वीडियो मेंस भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान सहित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट और वीडियो मेंस के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट या वीडियो मेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के जीके सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अब्दुल खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अब्दुल खां का मकबरा है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन है वो जयपुर शहर के सीतापुर में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में अक्टूबर 2022 में होगा। कहाँ पे होगा राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन? वो होगा जयपुर में और जयपुर के सीतापुर में, और कौन से महीने में? अक्टूबर माह में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, हैदराबाद के निज़ाम मीन उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में किसका निर्माण करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी हैदराबाद के निज़ाम मीन उस्मान अली खान हैं जो अजमेर के दरगाह में निज़ाम दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम हाल ही में महेश नगर कर दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी हाल ही में बाड़मेर ज़िले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था जिसका हाल ही में नाम बदलकर महेश नगर हॉल कर दिया है। किस रेलवे स्टेशन का नाम? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम जो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित हैं जिसका हाल ही में नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2022 के विनर दिव्यांश और मनुराज का संबंध किन जिलों से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2022 के विनर दिव्यांश और मनुराज हैं वो जयपुर और भरतपुर के रहने वाले हैं। जो दिव्यांश हैं जो जयपुर के शाहपुरा के रहने वाले हैं, जबकि मनुराज हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं, और ये दोनों रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2022 के विजेता हैं। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी बीबी जरीना का मकबरा है वो राजस्थान के धौलपुर ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला सातवा क्वेश्चन है, हवा महल के वास्तुविद कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हवा महल के वास्तुविद हैं वो लालचंद उस्ताद थे, और हवा महल हैं वो राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा संचालित करने वाला भारत का कौन सा स्थान वाला राज्य बन गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान है वो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, मैडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी मैडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन है वो 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। किस प्रदर्शनी का? मैडिफेस्ट प्रदर्शनी 2022 जो जयपुर ज़िले में आयोजित अप्रैल महीने में की गई थी। नेक्स्ट अगला दसवां क्वेश्चन है, यह कथन किस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी या जैसलमेर शहर के बारे में कहा जाता है कि यहां आने के लिए पत्थर के पैर लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही इस शहर में पहुंचा जा सकता है। किस शहर के बारे में कहा सकता है? जैसलमेर शहर के बारे में। नेक्स्ट अगला ग्यारहवा क्वेश्चन है, उमेदपुर की सामनी किसका नाम था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी उमेदपुर की सामनी है वो झालावाड़ का नाम था। नेक्स्ट अगला बारहवां क्वेश्चन है, चिरोई जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी चिरोही जिले में स्थित चंपा की बावड़ी है जिसका निर्माण चंपा कंवर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के उदयपुर को कौन सा स्थान मिला था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के उदयपुर को 122.8 अंकों के साथ दूसरा स्थान मिला था। और ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई थी, ये की गई थी शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। जो 100 सिटियों की स्मार्ट सिटियों की रैंकिंग में उदयपुर हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि 128.80 अंकों के साथ सूरत शहर हैं वो पहले स्थान पर रहा था और तीसरे स्थान पर आगरा शहर रहा था। कौन सी रैंकिंग में, 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन थे वो चावंड में बिताए थे। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, आदिवासियों का मुक्ति धाम मां स्थल कहां पर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बैणेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों का मुक्ति धाम मां स्थल है वो स्थित है। कहां पर, बैणेश्वर जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी टोडा ग्राम टोंक जिले में संत पीपा जी की गुफा है वो स्थित है। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है और वो कौन है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी जोधपुर के निकट ओशिया में जो मंदिरों का समूह है वो प्रत्यार वंश के देन है। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑप्शन है राजसमंद में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पर किराड़ू का मंदिर स्थित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ शीतला माता का विशेष मंदिर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जयपुर के चाकसू में शीतला माता का विशेष मंदिर स्थान है। कौन से स्थान पर, चाकसू। चाकसू कहाँ पर है, वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है और इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में, 22, और भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित ली गई हैं, वो ली गई हैं 14 भाषाएँ। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य हैं, जबकि दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर हरियाणा राज्य हैं। पहले स्थान पर हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, और दूसरे पे पंजाब, और तीसरे पे गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा राज्य हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है जिसमें को भारत का श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी लोक देवता गोगा जी के थान है वो सामान्यतः राजस्थान में खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। किस वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं, लोक देवता गोगा जी के थान वो पाए जाते हैं खेजड़ी पेड़ के नीचे। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी तिलवाड़ा का जो पशु मेला है जो लोक देवता मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, और मल्लीनाथ जी का और तिलवाड़ा का पशु मेला है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 94% साक्षरता के साथ केरल राज्य है जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, जबकि 61.1% साक्षरता के साथ सबसे कम राज्य का है वो साक्षरता बिहार राज्य है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार राज्य है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर जिला है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना है वो वर्ष 1985 में की गई थी। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर गोरा बादल महल स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जोधपुर में गोरा बादल महल है वो स्थित है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान जहां उम्मेद भवन पहले से स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के जोधपुर में भी उम्मेद भवन पहले से स्थित है।